अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकुशा परवीन। बारिश और बाढ़ ने देश के कई सूबों में हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। सबसे बुरा हाल असम का है, जहां 124 से ज्यादा लोगों की अब तक बारिश की वजह से मौत हो गई है। इसके साथ ही देश का बड़ा हिस्सा आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहा है। घरों से लेकर दुकानें तक जलमग्न हो गई हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर शहरों में घुस आई हैं। बिहार में नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा ये कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांवों में सैकड़ों लोगों को नावों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। दर्जनों गांवों में इंसानों के साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे दिखे। सरकार कह रही है कि नदी के सारे तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन नवहट्टा ब्लॉक में कोसी के मुख्य तटबंध पर बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से दरारें बढ़ती जा रही हैं, आगे की हालत की कल्पना तक सिहा देती है। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि बिहार किस तरह आसमानी आफत से जूझ रहा है। लगातार बारिश से यहां लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया है। इसके बाद पूरे रफ्तार के साथ नदी का पानी गाँव को अपनी जल्द में ले गया। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 2 साल से नदी के इस किनारे को बांधने का काम चल रहा था। सीतामढ़ी के लोगों को नेशनल हाईवे 77 पर शरण लेनी पड़ी है। लोगों को निकालने के लिए 1.5 दर्जन नावों को इंतजाम किया गया है, लेकिन ज्यादातर जर्जर हैं। सीतामढ़ी के गांव से लेकर शहर तक हर जगह पानी ही पानी है। गोपालगंज भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद जिलों में से एक है। कंडक नदी यहां रौद्र रूप दिखा रही है। कंडक नदी के किनारे के सभी 6 ब्लॉक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि निचले इलाकों से हट जाएं। सुपौल में भी लोग बाढ़ और बारिश की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। निर्मली ब्लॉक मुख्यालय पर थाने से लेकर घरों तक में पानी घुस चुका है। निर्मली शहर में जगह जगह 2 से 3 फुट पानी भर गया है। दूसरे शहरों के साथ सूबे की राजधानी पटना में भी इंतजामों की पोल खुल गई है। 2 घंटे की बारिश से पटना के कई इलाकों में पानी भर गया है। CRPF कैंप में पानी भर गया। कदम कुओं थाने का भी यही हाल रहा। मधुबनी में भी बाढ़ ने हर आमो खास को बेहाल कर डाला। क्या DM, क्या SP और क्या जिला जज, सबके घरों में पानी घुस गया है। बिहार हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन कुदरत की इस मार बचने के स्थायी इंतजाम अब तक काम नहीं किया गया है। ऐसी और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।